हेलो गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल बीएल हार्डवर्क ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो पीछे आप ये काम देख रहे हैं, जो निकासी कर रहे हैं, यही मैं दिखाने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं। तो वीडियो को निरंतर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाकर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जो भी कोई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू ब्लॉग वीडियो। तो साथियों, इस प्रकार की यहाँ घोड़ियाँ होती है हमारे यहाँ पर सादा भट्टी के अंदर। ये जो आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर ज़्यादा कोयला झोंकने से ये गल गई है ईंटें, तो ये खंगर बन चुका है इसका। और आप ये भी देख सकते हैं जो सादा भट्टा होता है, जिस सादे भट्टे के बारे में ही आपको दिखा रहा हूँ, ये निकासी वाले। और ये जमादार है, और ये पूरी जितनी भी इसकी टीम है, ये पूरी जो भी मजदूर लग रहे हैं, ये इसी की टीम है। और एक जमादार होता है तो उसकी टीम होती है सारी। और आप देख सकते हैं सभी लोग तो लगे हुए हैं। तो इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या महसूस करते हैं ये इस काम में, इनको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर, आप बताएंगे कि आपको इस काम में मज़ा आता है कि नहीं आता है? आता है। आपकी दिहाड़ी बन जाती है पूरी पूरी पूरी? आप पूरे दिन में कितनी ईंटा निकाल देते हैं? पूरा दिन में निकल जाती है 5-1 हज़ार। और आप राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं ना? हाँ, जिला सीकर से। हाँ, थैंक यू साहब बताने के लिए। तो एक और है भाई जी, इनसे भी हम बात करते हैं। लगे तो ये बोलने के लिए राजी नहीं है, तो इनसे बात करते हैं। राम राम। और मौज में हो? कैसा महसूस करते हैं आप? आप कितनी ईंट डालते हैं गाड़ी में? तो जैसा कि देख सकते हैं, गाइस, ये एक रेडी है। रेडी के अंदर ये 60 ईंटें डाली जाती है। इसके अंदर 60 ईंट लेकर जाते हैं, बाहर चट्टे के अंदर लगाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब निकासी का काम स्टार्ट होगा तो मैं बताऊंगा, तो आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, ये खंगर बन चुका है यहाँ पर पूरी तरह से, और अभी स्टार्ट हुआ है काम की। आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो सामने कच्ची ईंटें देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये काम, और अभी यहाँ तक आया है। तो ये जलाई वाले हैं, तो इनका वीडियो भी मैंने पहले बनाया था, तो वो वीडियो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सर, पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है सर, और आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा में कौन सी जगह सर? भैरोड़ से। भैरोड़ तो राजस्थान में है। तो गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो भट्ठे होते हैं, भट्ठों के ऊपर एक ही स्टेट के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर यूपी और हरियाणा, राजस्थान और भी कई जगह के, यानी कई स्टेट के जो मजदूर होते हैं वो काम पे आते हैं, और अच्छी खासी इनकम हो जाती है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं काम करने पर। तो सर्दियों में तो बढ़िया काम होता है, गर्मियों में थोड़ा दिक्कत आता है। तो गाइस, मैं गर्मियों का, अब तो ये ठंडी का सीज़न है तो ठंडी का वीडियो बना रहा हूँ, जब गर्मी आएगी तो गर्मी का एक वीडियो और बनाऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।